मधेपुरा में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि मधेपुरा पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेजने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाकर बेलगाम हो चुके अपराधियों की ना सिर्फ नींद हराम कर दी है, बल्कि लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देने वाले कई कुख्यात अपराधियों को भी भारी मात्रा में गैर कानूनी असलाह और नकदी के साथ गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में डालकर अंतर जिला गिरोह के सक्रिय और शातिर अपराधियों के भी हौसले को पस्त करने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में मधेपुरा पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। जिले के चुरनी थाना की पुलिस ने 18 फरवरी 2021 की रात 3 अपराधी को एक अवैध देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर मोटरसाइकिल लूट कांड में भी 2 अपराधी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और साथ ही पुलिस ने लूटी गई 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल को भी बरामद करने में सफलता पाई है। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि अपराधियों से पूछताछ के पता चला कि तीनों अपराधी पिछले कुछ महीनों से जिले के उदाकृष्णगंज अनुमंडल एवं सीमावर्ती इलाके में मोटरसाइकिल लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और 18 फरवरी को भी कुरेनी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। पुलिस के सामने तीनों अपराधियों ने अब तक 8 मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि इन अपराधियों का एक ग्रोह है जिसके द्वारा मोटरसाइकिल लूटने, छुपाने एवं बेचने का काम किया जाता है। वहीं 17 फरवरी 2021 को जिले के उदाकृष्णगंज थाना क्षेत्र में मिथुन कुमार उर्फ मिंटू शाह को गोली मारकर जख्मी कर देने के मामले में एक अपराधी मोहम्मद नियामुल उर्फ नट्टा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बात की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ अपराधियों के द्वारा एक युवक को गोली मारी गई थी। इस मामले में जख्मी युवक की मां के फट बयान पर उदाकृष्णगंज थाना में आईपीसी की धारा 326 307 34 के तहत 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। एसपी ने बताया कि इस कांड के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद नयामुल उर्फ नट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार चल रहे 2 अपराधी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद नियाजुल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा। 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी लोग लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं पिछले कुछ समय से। इनके पास से तलाशी में 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोलियां मिली हैं, 1 मोबाइल फोन मिला है लूटा हुआ। इसके अलावा पिछले ही बिहारीगंज थाना में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें कि मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूटा था, वो भी दोनों बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अरार ग्वालपाड़ा में भी एक मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी, उसको भी सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। ये जो 5 अपराधी हैं, इसमें से 3 अपराधी ग्वालपाड़ा के ही हैं और इसमें से इनफैक्ट 5 के 5 ये ग्वालपाड़ा के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में ये पता चला है कि पिछले कुछ समय में इन्होंने लगभग 8 लूट की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। ये सभी लूट की घटनाएं अज्ञात पे दर्ज हुई थी, इनका कन्फेशन लिया गया, इन सभी को उसमें रिमांड पे लिया जाएगा। इन 5 अपराधियों का जो इतिहास है, अपराधी के इतिहास है, वो हम लोग अपने जिले में भी और आसपास के जिलों में भी पता कर रहे हैं। इसमें शुरुआत हुई थी एक विशाल कुमार नाम का अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी से। तो पूछताछ में हम लोग को ये अहम सुराग मिले थे, तो उसी समय इसमें फौरन एसटीपीओ उदय किशन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम में एसएचओ ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, पुरैनी और अरार भी शामिल थे। इस टीम ने बड़ी सफलतापूर्वक 2 दिनों के अंदर इन सभी को गिरफ्तार किया और कड़ाई से इंट्रोगेशन किया और लूटी गई जो बाइक थी और मोटरसाइकिल थी उसको रिकवर किया है। तो निश्चित ही इस बड़े गैंग के गिरफ्तारी से क्षेत्र में जो घटनाएं हुई हैं उनका उद्भेदन भी हुआ है और आने वाले समय में घटनाएं रुकेंगी भी। इस पूरी टीम ने हमारी बहुत अच्छा काम किया है, हम सभी टीम के मेंबर्स को पुरस्कृत करेंगे और मुख्यालय भी भेजेंगे। कुछ दिन पहले एक युवक की गोली मारी गई थी कुछ अपराधियों के द्वारा, उनकी माता के आवेदन के आधार पे, फर्द बयान के आधार पे केस इसमें दर्ज हुआ था और इसमें एसटीपीओ सदर को ही मैंने तुरंत उसी दिन निर्देश दिया था कि इसमें तुरंत छापेमारी करके इसमें गिरफ्तारी कराएं। तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था, उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो गई है। इसका नाम मोहम्मद नियामुल उर्फ नट्टा है, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। 2 इसमें अभी फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो हमारी टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है।